नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं हमेशा आपको कुछ न कुछ स्टोरीज वगैरह या कुछ कविता वगैरह जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आता हूँ। और आज फिर आया हूँ एक छोटी सी स्टोरी जिसने मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपके साथ उस स्टोरी को शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। एक बार इंद्र भगवान ने किसानों पे किसी बात पे नाराज होके बोला कि बारिश जो है 12 साल बाद आएगी। तो किसान सब परेशान हो गए, वो इंद्र भगवान के पास गए और बोले, भगवान जी ऐसा मत करो। तो बोले, ठीक है, अगर शिव जी डमरू बजा देंगे तो मैं बारिश कर दूंगा। तो किसान लोग शिव जी के पास में गए। इधर इंद्र भगवान ने शिव जी को चुपचाप से ये गुप्त रूप से बता दिया उनको कि भाई आप किसानों की बात नहीं मानिएगा, वो लोग कुछ परेशान ज्यादा करते हैं इसके लिए। तो जैसे ही किसान शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी ने उनको ये बात बोल दिया कि मैं डमरू 12 साल बाद बजाऊंगा। किसान बेचारे परेशान हो गए, अब क्या करें। तो परेशान होके बैठ गए कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी, 12 साल बाद होगा। लेकिन एक किसान अपने खेत में हमेशा जब भी उसका समय आता बीज बोने का, वो बीज बोता, उसको फसल को उपजाऊ करने के लिए जो भी काम करना होता वो सब वो करता और फसल का इंतजार करता। किसान सब उसके ऊपर हंसने लगे। एक साल हो गया, दो साल हो गया, तीन साल हो गया, वो किसान तो वैसे ही अपना काम कंटिन्यू करता रहा। जब 3 साल हो गए तो सब किसान इकट्ठे होके आए और उससे पूछे कि भाई तुम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो, तुमको मालूम है कि 12 साल बारिश होने वाली नहीं है, तो फिर अब क्यों अपना समय बर्बाद करते हो, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। तो उस किसान ने बहुत अच्छा सा जवाब दिया कि भैया 12 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता हो, अगर मैं ये जो खेती कर रहा हूं अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं ये प्रोसेस पूरा भूल जाऊंगा, और अगर मैं भूल गया तो फिर कभी बारिश हुई 12 साल बाद तो फिर मैं अपना काम कर ही नहीं पाऊंगा। ये पार्वती जी ने जब ये उनसे सुना तो उन्होंने शिव जी को बोला कि देखिए ये किसान का डेडिकेशन अपने काम के प्रति कितना अच्छा है। वो बोल रहा है कि अगर मैं अपने काम को भूल गया तो 12 साल बाद जब बारिश होगी तो मैं ये फसल बो नहीं पाऊंगा और खेती भी नहीं कर पाऊंगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी जो है 12 साल बाद डमरू बजाना भूल जाओ। तो शिव जी भोले भाले बेचारे परेशान हो गए और देखा कहीं 3 साल हो गया, मैं डमरू बजाना भूल तो नहीं गया हूं। तो उन्होंने तुरंत बजाने की कोशिश करी और डमरू बजा। तुरंत जैसे ही डमरू बजा और बारिश शुरू हो गई। अब जैसे ही बारिश शुरू हुई, वो किसान ने तो अपना काम किया हुआ था, उसकी मस्त फसल लहलाई और बाकी किसान एकदम परेशान होके बैठ गए, बोले ये तो बहुत गलत हो गया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया और उम्मीद करता हूँ आपको भी इससे एक छोटी सी सीख मिली होगी। लॉकडाउन चाहे 2 दिन का हो, चाहे 2 हफ्ते का हो, चाहे 2 महीने का हो या 2 साल का हो, आपको अपना काम जैसी भी परिस्थिति हो, जैसे भी साधन आपके पास हो, उनसे आपको अपना काम कंटिन्यू करते रहना चाहिए, जिससे कि आप अपनी स्किल को भूल नहीं जाओ और अपने आप में नई स्किल डेवलप करते रहो। जो भी आपका बिजनेस, जिस बिजनेस से भी आप जुड़े हुए हो, जिस काम से भी आप जुड़े हुए हो, वो काम आप कंटिन्यू करते रहें, उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें, जिससे आने वाले समय में जब लॉकडाउन हटे तो आप लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो और आप अपने काम को जो पीछे आप करते आए हो उससे भी अच्छे ढंग से आप कर सको। इसके लिए अपने काम को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ये कहानी यही हमें सीख देती है, मुझे बहुत अच्छी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ऐसी छोटी छोटी कहानियों के लिए, ऐसी छोटी छोटी कविताओं के लिए अगर मेरे चैनल पे आप कंटिन्यू बने रहना चाहते हैं और चाहिए कि आपको वो सबसे पहले वो स्टोरी सुनने को मिले, तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरी ये छोटी छोटी कहानियां जो जिंदगी की बड़ी बड़ी सीख देके आपको जाती है वो आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार।